उत्तरकाशी में देवभूमि ब्राह्मण समाज द्वारा 3 दिवसीय सम्मेलन का विधि विधान के साथ आज समापन हुआ है। बता दें कि उत्तरकाशी में ब्राह्मण समाज द्वारा लगातार अलग अलग पंचांग को लेकर काफी समय से विवाद के चलते रहते थे, जिसके चलते साथी मुद्दों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में देव ब्राह्मण समाज द्वारा सभी क्षेत्रों में एक ही पंचांग उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में ब्राह्मण दिवाकर ने कहा कि 22 जनवरी को भगवान रामचंद्र कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देवभूमि ब्राह्मण समाज द्वारा आगामी 2 दिनों तक उत्तराखंड में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जाएगा। उत्तरकाशी से विनीत कंसपाल की रिपोर्ट। देखिए, सर्वप्रथम तो हमारे आदर्श श्री रामचंद्र जी हैं, जिन्होंने जो है समाज को एक दिशा दी है और 500 सालों बाद आज सनातन धर्म का जो है सीना चौड़ा हुआ है कि हमारे प्रभु राम जो है अपने मंदिर पर आसीन होंगे। तो देवभूमि ब्राह्मण महासभा उत्तरकाशी जो कि रजिस्टर्ड है, देवभूमि ब्राह्मण महासभा उत्तराखंड से संबद्ध है, तो हम लोग जो हैं, हमारा एक विचार बन रहा है कि हम प्रभु जी, हमें तो गर्व इसी विषय का हो रहा है कि जिस प्रकार से त्रेता युग में उस समय के जो लोग खुशी मना रहे होंगे, हमारे लिए गर्व की बात कि हमारे लिए यही त्रेता युग बन गया है। जिस प्रकार से हमने देख लिया है कि 22 जनवरी को जो राम मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, तो हम लोगों के गर्व का विषय ये है कि हम प्रतिष्ठित होकर अपने अपने घरों में जो है भगवान राम का दिव्य स्वागत करें और हम लोगों की यही सोचना चाहिए कि यही हमारे लिए जो है त्रेता युग है। देखो प्रभु जी, ये तो हमारे सनातन धर्म की वो है। उत्तरकाशी में ब्राह्मण समाज के द्वारा एक 3 दिवसीय सम्मेलन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि ब्राह्मणों को एक मंच पर लाना है और ब्राह्मणों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। साथ ही शिव नगरी उत्तरकाशी में धार्मिक नगरी बनाने के लिए ब्राह्मण समाज एक है, और जो हमारे बार त्यौहार 2-2 दिन पड़ते हैं, लोगों को उस पर कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए ब्राह्मण समाज द्वारा